आज हम बनाने वाले हैं दाल पालक की सब्जी, और वो भी थोड़े डिफरेंट तरीके से। पालक को अच्छे से धोकर काट लेंगे। इसमें हम पालक को ब्लांच करेंगे। ब्लांच का मतलब हम एक मिनट के लिए इसको गर्म पानी में डालेंगे और फिर उसके बाद बाहर निकाल कर एक मिनट के लिए ठंडे पानी में। हमने पालक को काट के एक मिनट के लिए गर्मा गर्म पानी के अंदर डाल दिया है। अब इसको हम बाहर निकाल कर चिल्ड वाटर में डाल देंगे। उससे इसका रंग बहुत ही सुंदर बना रहता है और ये बहुत डिलीशियस लगता है। आज हम दाल पालक के लिए लेंगे काली उड़द की दाल। इसको हमने पानी में डालकर अच्छे से धो लिया है। अब कुकर के अंदर तेल डालकर उसमें जीरा और हींग डाल देंगे। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज। थोड़ी सी देर भूनने के बाद डाल दीजिए अदरक और हरी मिर्च। दो टमाटर की प्यूरी करके आप इसमें मिला दीजिए। डाल दीजिए इसमें मसाले, धनिया, मिर्च, हल्दी और नमक। हम इसे बिल्कुल बेसिक मसालों से बनाएंगे। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है और बहुत ही न्यूट्रिटिव है। टमाटर प्याज हमारा भुन गया है। अब इसमें एक चम्मच भीगी हुई चने की दाल और एक कप उड़द की दाल डाल देंगे। हमने एक कप उड़द की दाल ली है, उसमें हम चार कटोरी पानी डालेंगे। चने और उड़द की दाल का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगता है। हमने इसमें चार कप पानी डाल दिया है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसमें दो से तीन सीटी लगा लेंगे, और जब इसका प्रेशर अपने आप से निकल जाएगा तब हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। हमारी दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है। अब इसके अंदर ब्लांच किया हुआ पालक मिक्स कर देंगे। देखिए कितना सुंदर रंग है। अब इसको मिलाकर थोड़ी देर के लिए हम इसको बॉईल कर लेंगे। इस समय अगर आपको दाल पतली चाहिए तो थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं। दाल पालक बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको एक बोल के अंदर डाल लीजिए। आप इसे गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ भी खा सकते हैं। न्यूट्रिटिव और डेलिशियस दाल पालक बनकर बिल्कुल तैयार है।